नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, देखो मैंने कल आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको रेस्पिरेशन से संबंधित कुछ बातें बताई थी, जिसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताई थी, रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में बताया था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं अदर एनिमल्स में क्या क्या पाए जाते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो देखो, जैसे कि अपने बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में चार चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर सबसे पहला था जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रेकिया और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लंग्स। तो देखो, आज हम उसी चीज़ को लेके अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव का जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पे दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पे दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक या ट्रैक्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है लंग्स। यानी कि एक तो मानव के श्वसन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला जो होता है वो होता है श्वसन का मार्ग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है फेफड़े। अब सबसे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो देखो, सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बना लेते हैं, जो कि किस तरह हमें दिखाई देता है और किस तरीके से होता है। तो देखो, देखो ये है मानव के श्वसन तंत्र का जो डायग्राम हम बना रहे हैं। इसके अंदर हमने ये बनाए हैं लंग्स, ये
देखो ये मानव के हमने लंग्स बनाए हैं, देखो सबसे ऊपर वाला भाग जो कहलाता है वो है लैरिंक्स, LARYNX लैरिंक्स, जिसको बोला जाता है कंठ। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है लंबी सी इलोंगेटेड, इसे बोला जाता है ट्रैकिया, जिसको हम कहते हैं श्वास नली। यहां पे जो ये रिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये जो आप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, इसे कहेंगे हम लेफ्ट लंग, इसे कहते हैं हम राइट लंग, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड ये जो है ये होगी ब्रोंकाई, और ये जो है इसे कहेंगे ब्रैंकियोल्स, और इन्हें कहा जाएगा एल्वियोलाई। देखो अब हम बात करते हैं यहां पे, इसको हम देखो ये है मानव का रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव के रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम है, जिसके अंदर हमने जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे कहा है लैरिंक्स, लैरिंक्स से नीचे का जो पार्ट है इसे कहा जाता है ट्रैकिया, जो कि 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पे रिंग ऑफ कार्टिलेजेस जो कि इसको पिचकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो हम वन बाय वन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखो मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मानव का जो या किस रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होता है यहां पे श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग, और दूसरा जो होता है वो होता है यहां पे फेफड़े, जिसको हम कहते हैं लंग्स। अगर मैं बात करूं कि मानव के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, मानव के श्वसन तंत्र में सबसे पहले जो आता है श्वसन मार्ग, तो उसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, मानव के श्वसन तंत्र में, मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को, उन सभी अंगों को शामिल किया जाता है जो कि गैसों के आदान प्रदान में, जो कि गैसों के आदान प्रदान में योगदान देते हैं। गैसों के आदान प्रदान से मतलब है O2 और CO2 सहयोग देते हैं या योगदान देते हैं।
बात करते हैं हमने देखो ये दो की डेफिनेशन कि मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को शामिल किया जाता है जो कि गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करते हैं। मानव के श्वसन तंत्र में सबसे पहला जो पार्ट है उसका नाम क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है वो किन किन ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है, आइए जानकारी लेते हैं। मानव का जो श्वसन मार्ग, श्वसन तंत्र में जो श्वसन मार्ग है उस श्वसन मार्ग निम्न भागों से मिलकर बना होता है, निम्न भागों से मिलकर बना होता है। देखो कैसे, सबसे पहला बार वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से अंग शामिल किए थे। सबसे पहला जो आता है वो होता है नासा द्वार। नासा द्वार को कहा जाता है नोस्ट्रिल। दूसरा होता है नासा पथ। मानव के श्वसन तंत्र के अंदर जो श्वसन मार्ग होता है उसमें नासा द्वार, नासा पथ, सबसे पहला जो है वो नासा द्वार, दूसरा जो है नासा पथ, तीसरा जो है वो है ग्रसनी, चौथा जो है वो होता है कंठ। कंठ के बाद आपका जो आएगा, कंठ के बाद आएगा श्वासनली ट्रैकिया। श्वासनली आगे जाके डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, श्वसनी में, और श्वसनी फर्दर डिवाइड हो जाती है आगे जाके श्वसनिकाओं में। और जो श्वसनिकाओं में है, श्वसनिकाएं जो है वो वहां आगे जाकर डिवाइड होते होकर निर्माण करती हैं किसका, उद्दीपकों का। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले नासा द्वार की, अपने बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला जो है पार्ट क्या, नोस्ट्रिल। मानव के श्वसन तंत्र में जो नासा द्वार होते हैं ये सबसे बाह्य स्थित द्वार होते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं एक प्रकार के एक्सटर्नल डोर्स का वर्क करते हैं। मानव में जो नासा द्वार होते हैं कितने जोड़ी पे रहते हैं, एक जोड़ी या वन पेयर, यानी कि मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, नासा द्वारों के माध्यम से। क्यों, देखो मानव में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं, कितने जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं जो कि सबसे बाहर स्थित होते हैं। नासा द्वार जो होते हैं वो आगे चलकर खुलते हैं किसके अंदर, नासा पथ के अंदर। अब एक चीज और, मानव में जो एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं उन दोनों नासा द्वारों के बीच में, दोनों नासा द्वारों के बीच में एक सेप्टम पाया जाता है, पट पाया जाता है जिसे कहा जाता है नासिका पट। यह नासिका पट क्या वर्क करता है, दोनों नासा द्वारों को अलग अलग करता है, दोनों नासा द्वारों को अलग करने का जो फंक्शन है, अलग करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, वो करता है नासिका पट। देखो हम बात करते हैं सबसे पहले नासा द्वार की, तो मानव में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं
एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं जो कि सबसे बाहर स्थित होते हैं। दोनों नासा द्वारों के मध्य एक पट पाया जाता है। दोनों नासा द्वारों के मध्य एक पट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नासिका पट कहते हैं, जिसे नासिका पट कहा जाता है। नासिका पट कहा जाता है। नासिका पट जो होता है, नासिका पट दोनों नासा द्वारों को अलग करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, नासा द्वार आगे जाके खुलते हैं नासा पथ के अंदर। नासा पथ क्या होता है, यहां पे मान लो जो द्वार है वो द्वार आगे जाके एक विशेष प्रकार के ट्रैक्ट में खुलेंगे जिसे अपने कहेंगे नासा पथ, यानी नासा नाक के अंदर जो विशेष प्रकार के श्वसन का मार्ग है जिसमें से वायु अंदर जा रही है उसे कहते हैं नासा पथ। तो देखो प्रत्येक नासा द्वार अपने ओर के नासा पथ पे खुलते हैं। प्रत्येक नासा द्वार अपने ओर के नासा पथ में खुलते हैं नासा पथ जो होता है वो सूक्ष्म रोमों नासा पथ सूक्ष्म रोमों से ढका रहता है। तथा इस पथ में श्लेष्मा का स्त्राव किया जाता है। इस पथ में श्लेष्मा ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। श्लेष्मा का जो स्त्राव होता है वो सूक्ष्म रोमों में अटक जाता है जिसके कारण बाहरी वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण बैक्टीरिया आदि हमारे फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर पाते। देखो हमने क्या इसके अंदर क्या चीज देखी कि मानव में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। दोनों नासा द्वार जो होते हैं जो मानव के श्वसन तंत्र में सबसे बाहरी ऑर्गन है या बाहरी स्थित होते हैं। दोनों नासा द्वारों के बीच में एक यहाँ पे पट पाया जाता है इन दोनों नासा द्वारों के बीच में जिसे हम क्या कहते हैं नासिका पट। का कार्य क्या है, दोनों नासा द्वारों को अलग अलग कर देना। उसके बाद नासा पथ जो है
प्रत्येक नासा द्वार जो है वो अपनी ओर के नासा पथ में खुलता है। दाया नासा द्वार दाया नासे पथ में खुलेगा और बाया नासा द्वार बाया नासा पथ में खुलेगा। इसी प्रकार नासा पथ जो होता है उसके अंदर कुछ सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, रोम लाइक स्ट्रक्चर यानी सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। इन रोम का क्या फंक्शन है? रोम जो होते हैं वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों को हमारे श्वसन मार्ग में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। क्योंकि देखो रोम के साथ साथ हमारे नासा पथ के अंदर श्लेष्मा का स्त्राव किया जाता है, श्लेष्म ग्रंथियां जो होती हैं वो श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं, जिसके कारण श्लेष्मा जो होता है वो रोमों के साथ एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि क्या करता है धूल मिट्टी के कणों को उसके यानी धूल मिट्टी के जितने भी कण हैं या बैक्टीरिया है या कोई भी चीज है ये सब क्या करते हैं इस सूक्ष्म रोम के साथ साथ जो श्लेष्मा वाला मटेरियल है इसके साथ चिपक जाएंगे और हमारे श्वसन मार्ग में नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण शुद्ध और प्योरीफायर वायु जो है वही हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है या कर पाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नासा द्वार नासा पथ और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा यहाँ पे ग्रसनी का पार्ट। ग्रसनी जिसको अपने क्या बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी देखो जो नासा पथ होता है आगे चलकर ग्रसनी में खुलता है, और ग्रसनी जो है हम जानते हैं कि नासा पथ आगे चलकर खुलेगा ग्रसनी में, और ग्रसनी का जो संबंध है वो किससे होता है? कंठ से होता है, लैरिंक्स जिसको बोलते हैं। ग्रसनी का संबंध किससे होता है? कंठ से होता है। हम बात करते हैं अब जो टॉप डायग्राम हमने बनाया था उसकी, देखो हम यहां पे आ चुके हैं। हमारा जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस सिस्टम के अंदर वायु जो है वो वायु यहां से प्रवेश कर रही है हमारे कंठ के अंदर। कंठ को क्या कहा जाता है? कंठ को कहा जाता है स्वर यंत्र। हम जानते हैं देखो हम बात करते हैं कंठ की, जो हमारा चार नंबर टॉपिक है, अगर हम कंठ की बात कर रहे हैं तो कंठ को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र कहा जाता है। क्योंकि कंठ जो है उसमें विशेष प्रकार के वोकल कोड्स स्वर रज्जु पाए जाते हैं। अब जो ऑक्सीजन गैस है या जो वायु है वो हमारे जब कंठ में आती है यहां पे, तो यहां पे आपको एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। देखो यहां पे जैसे ही वायु हमारे कंठ में आती है तो कंठ को हम कहते हैं स्वर यंत्र। या क्यों कहते हैं स्वर यंत्र? क्योंकि कंठ जो है हमारे बोलने का एक साधन है। इसी कंठ की वजह से हम क्या है हमारे मुख से जो ध्वनि है वो निकल रही है, या हम जो बोल पा रहे हैं वो किसके कारण बोल पा रहे हैं? कंठ की वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि कंठ में विशेष प्रकार के वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिनके कंपन होने से हमारे शरीर में से या हमारे माउथ वाले पार्ट में से ध्वनि सुनाई देती है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे तो देखो जैसे ही वायु हमारे यहां पे आ गए, वायु हमारे कंठ में प्रवेश करती है तो कंठ से होते हुए नीचे की तरफ आती है। ये नीचे की तरफ आएगी तो यहां पे पाया जाता है एपिग्लोटिस नाम की संरचना। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस एक ऐसा छिद्र है जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस को हिंदी में कहते हैं हम घाटी द्वार, यानी कि ये घाटी द्वार जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है?
इसका फंक्शन होता है कि जो जो मटेरियल फूड मटेरियल हम ग्रहण करते हैं वो हमारी श्वास नली में ना प्रवेश कर पाए, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है यहां से ये जो ट्रैक है यही श्वसन का ट्रैक है, यही डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ट्रैक है, यानी डाइजेशन का जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका भी ट्रैक यही है, यही दोनों का पथ एक ही है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारी जो ट्रैकिया यानी श्वास नली है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। ये क्या करती है, जो फूड मटेरियल है उसको फूड पाइप में ही जाने देता है और जो वायु है उसको हमारी ट्रैकिया यानी श्वास नली में ही जाने देता है। इसका फिक्स फंक्शन है, देखो कैसे वायु जब यहाँ पे आती है तो यहां से होते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ आने के बाद यहां पे पाए जाते हैं सी आकृति के छल्ले, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं वो सी आकृति के छल्ले होते हैं। कैसे होते हैं, सी आकृति के छल्ले होते हैं। ये सी आकृति के छल्ले क्या करते हैं, इसे पिचकने से रोकते हैं ताकि हमारे शरीर में जो वायु प्रवेश करती है उस दौरान और वायु जो हमारे मुख से निकाली जाती है उस दौरान ये जो हमारी ट्रैकिया जो है श्वास नली जो है वो पिचके नहीं। तो यहां से होते हुए वायु जो है ट्रैकिया से होते हुए यानी ट्रैकिया में सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं जो यहाँ पे श्वास नली में सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं जो इसको पिचकने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यहां से जो वायु है वो आगे जाकर हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। देखो हमने बात की थी कंठ की, कंठ के बाद हमारा टॉपिक आता है क्या, श्वास नली। श्वास नली की अगर बात करूं तो श्वास नली जो होती है मैंने आपको बताया 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। श्वास नली जो होती है वो एक लंबी नलिका के समान होती है, एक लंबी नलिका के समान संरचना होती है जिसमें सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं, जिसमें सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकृति के जो छल्ले होते हैं ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, श्वास नली को क्या करेंगे ये पिचकने से रोकते हैं। अगर मैं बात करूं तो श्वास नली आगे जाके डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, श्वास नली आगे, ये देखो हम यहां पे इसी की बात करते हैं। देखो जैसे वायु आई हमारे कंठ में प्रवेश करी, कंठ में प्रवेश करने के बाद यानी हमारे ग्रसनी से होते हुए हमारे कंठ में स्वयं होने के बाद वायु हमारे श्वास नली में आई, श्वास नली आगे जाके डिवाइड हो गई कितने भागों में, दो भागों में, यानी ये जो श्वास नली है ये आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे श्वसनी कहते हैं। श्वास नली आगे जाके डिवाइड हो जाती है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं क्या, श्वसनी। श्वास नली आगे जाके डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई या श्वसनी के अंदर। श्वसनी देखो ये वाली श्वसनी है, ये दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है एक और एक दो, ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है इनको कहा जाता है श्वसनी। श्वास नली आगे जाके श्वास यहां तक का जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी से ऊपर वाला पार्ट है लेकिन यहां से जो ये नीचे वाला पार्ट है ये वाला देखो यहां से जो पार्ट नीचे वाला जो पार्ट है लोअर पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको ये पार्ट जो है ये किसके अंदर है, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर है। थोरेसिक कैविटी का मतलब होता है वक्ष गुहा के अंदर स्थित है, कहां पे स्थित है वक्ष गुहा में, यानी कि हम बात करते हैं अब किसकी, श्वास नली के बाद हमारा जो टॉपिक आता है सेकंड फेफड़े लंग्स की। तो लंग्स के अंदर हम जानते हैं कि देखो मानव में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मानव में कितने जोड़े लंग्स पाए जाते हैं,
मानव में एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। दोनों फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? दोनों फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं और दोनों फेफड़ों के मध्य यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे हार्ट। क्या कहा जाता है? हार्ट। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, दोनों फेफड़ों, ये दाया फेफड़ा है, ये बाया फेफड़ा है। बाया फेफड़ा थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी अंदर की तरफ इनवेजिनेटेड होती है, या फिर हम ये कहें थोड़ी अंदर धसी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पे मानव का क्या पाया जाता है? यहाँ पे मानव का पाया जाता है हार्ट या हृदय। अगर मैं बात करूं कि मानव के फेफड़ों की, तो मानव के जो फेफड़े हैं, दो प्रकार के फेफड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने रिब्स बनाई है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये सारी की सारी क्या है? रिब्स है। क्योंकि हमारा जो ये स्केलेटल सिस्टम जो है, यहाँ पे विशेष प्रकार से रिब्स पाई जाती है, जो कि यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको ये जो ये हमारा जो बायां फेफड़ा है, इस बाएं फेफड़े के अंदर मैंने इस प्रकार की एल्वियोलाइज नहीं बनाई है, ब्रेंकियोल्स भी नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि जो श्वसनी है वो आगे जाके फर्दर डिवाइड तो होती है श्वसनिकाओं में, यहाँ पे श्वसनी जो है वो आगे जाके डिवाइड, ये श्वसनी, ये वाली जो श्वसनी है ये बाई श्वसनी है, ये जो श्वसनी है यहाँ तक वाला जो पार्ट है, यहाँ तक का जो पार्ट होता है ये श्वसनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो है श्वसनी, और श्वसनी आगे जाके डिवाइड हो जाती है किसमें? श्वसनिकाओं में। अगर मैं बात करूं दाएं और बाएं फेफड़े की, तो देखो मानव में जो दाया फेफड़ा होता है वो तीन पालियों से मिलकर बना होता है, यानी लंग्स जो कि है, लंग्स जो है कौन सा? लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स जो है वो थ्री लोब्स से मिलकर बना होता है, तीन पालियों से मिलकर बना होता है, तीन पालियों से मिलकर बना होता है। और अगर हम बात करें कि जो राइट लंग है, जो राइट लंग है वो टू लोब्स से मिलकर बना है, कितने लोब्स से मिलकर बना है? दो पालियों से। देखो मैंने डायग्राम के अंदर यहां पे ये पहला एक दो और तीन, यानी एक नंबर चैम्बर ये हो गया, दो नंबर ये पाली होगी और तीसरी पाली ये होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें बाएं फेफड़े की, तो पहली पाली ये होगी, दूसरी पाली ये होगी। मानव का जो हृदय है उसके वो यहाँ पे स्थित है दोनों फेफड़ों के मध्य अवकाश में, यानी कि मानव का जो हृदय है वो दोनों फेफड़ों के मिड पार्ट में पाया जाता है। अब देखो बात क्या होता है कि जैसे ही वायु हमारे श्वास नली से होती है, हमारी श्वसनी में प्रवेश करती है, एक दाई श्वसनी में और एक बाई श्वसनी में, श्वसनी आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें? श्वसनिकाओं में। अब श्वसनिकाएं का अंतिम सिरा जो होता है, श्वसनिकाओं का जो संबंध होता है वो होता है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से। इस स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से दिखाते हैं? इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। देखो ये जो होती है इस तरीके की संरचना होती है, इस तरीके की संरचना जो होती है इसके अंदर यहाँ पे कुछ वेसल्स का ब्लड, जो ब्लड वेसल्स का ये जाल पाया जाता है, ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है। होता क्या है, यहां से O2 अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? कूपिकाएं कहा जाता है, कूपिकाएं कह दो या फिर एल्वियोलाई, ये है एक एल्वियोलाई। हम क्या कहते हैं यहां पे, अगर इस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं, ये लो, ये है हमारी ब्लड कैपिलरीज, ये है हमारी ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज है यहां से जो ऑक्सीजन आएगी, अंदर प्रवेश करेगी, ऑक्सीजन जाएगी किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और यहां से जो CO2 बनेगी, यहां से क्या बनेगी? जो CO2 बनेगी वो इस तरीके से बाहर की तरफ क्या कर जाएगी? मूव करेगी। तो देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये वाली स्ट्रक्चर, इनके अंदर क्या है? यहां से ऑक्सीजन आई, इन कूपिकाओं के अंदर प्रवेश करती है, और इन कूपिकाओं की संख्या जो है वो लाखों में होती है,
यहां से इन कुपिकाओं में जाने के बाद जो ऑक्सीजन है वो तो कहां चली जाएगी, हमारे ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि फूड मटेरियल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के साथ के बाद बनती है, जैसे मैंने कल इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्हीं के माध्यम से होती हुई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। अब एक बात और, मानव का जो हृदय है वो डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है। कितने मेम्ब्रेन युक्त है? डबल मेम्ब्रेन युक्त, दोहरी झिल्ली से युक्त संरचना है मानव का जो हृदय है, सॉरी हृदय क्या, मानव में जो पाए जाने वाले फेफड़े हैं, फेफड़े जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन युक्त होते हैं, यानी कि इन दोनों के मध्य कुछ विशेष प्रकार का फ्लूड भरा रहता है जिसे बोला जाता है यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूड या परिहृदय द्रव्य। अगर हम बात करें ये यहाँ पे फ्लूड है, इसके अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे अंदर की तरह फ्लूड पाया जाता है। ये फ्लूड क्या करता है, ये हमारे फेफड़ों की सुरक्षा करता है, यानी फ्लूड जो है ये दोनों फेफड़ों को बाहरी चोटों से या बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये था हमारा आज का रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हमने शुरुआत की थी कि मानव के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट उन सभी अंगों को शामिल किया जाता है जो कि रेस्पिरेशन में या श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे देखो तो सबसे बड़ी बात, मानव का जो श्वसन मार्ग है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर दिया, करने को तो हम सीधा डायरेक्ट कह सकते हैं कि मानव के श्वसन तंत्र को निम्न भागों में डिवाइड किया सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि मानव के श्वसन तंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड किया, श्वसन मार्ग और फेफड़े। श्वसन मार्ग जो है वो नासा द्वार, नासा पथ, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, इन चीजों से मिलकर बना होता है, जबकि फेफड़े जो है वो हमारे अलग ही टॉपिक है, क्योंकि मानव के जो फेफड़े हैं वो पक्ष गुहा में स्थित होते हैं। नासा द्वार हो, नासा पथ, वायु जो है वो सबसे पहले नासा बाह्य या नासा द्वार से प्रवेश करेगी, नासा द्वार आगे चल के खुलेगा किसमें, नासा पथ में। नासा द्वार जो होते हैं उनके बीच में एक पट पाया जाता है जिसे बोलते हैं नासिका पट, नासिका पट से होती हुई वायु जो है वो नासा हमारे जाएगी पथ में। नासा पथ में विशेष प्रकार के रोम पाए जाते हैं, रोम जो होते हैं वो वायु में धूल मिट्टी के कणों को रोकते हैं। आगे फिर फर्दर डिवाइड होके लास्ट में क्या होता है, हमारे यहाँ से हम बात करें कि लास्ट में जो है, जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो वायु आई वो यहाँ पे आने के बाद क्या है, यहाँ से होती हुई कंठ से होती हुई हमारे ट्रैकिया यानी श्वास नली में, श्वास नली से हमारे दोनों फेफड़ों में, किसके माध्यम से, श्वसनी के माध्यम से, दाई श्वसनी दाए फेफड़े, बाई श्वसनी बाए फेफड़े में। तो यहाँ पे श्वसनी आगे जाके फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें, श्वसनिकाओं में। श्वसनिकाओं का संबंध होता है कुपिकाओं से, और कुपिकाएं ऐसा स्थान होता है जहाँ पे गैसों का विनिमय जो होता है वो संभव होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आएंगे। बाकी जो है अगर किसी भी प्रकार के आपको इसमें इस डायग्राम के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सुझाव दे सकते हैं कि सर हमें इस तरीके से थोड़ा समझाइए, या कोई भी बात है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे लिखें ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग किस तरीके से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।